दिल्ली मेयर चुनाव से पहले अखाड़ा बना सिविक सेंटर, आप और बीजेपी पार्षदों में मारपीट। सदन में हुए सब बवाल में दोनों पक्षों के काउंसलर घायल, किसी के हाथ में चोट, किसी के कपड़े फटे। बीजेपी और केजरीवाल का एक दूसरे पर आरोप, मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने पर हुआ विवाद। आज नहीं होगा मेयर का चुनाव, आज पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित, चुनाव की अगली तारीख अभी तय नहीं, जल्द तय की जाएगी तारीख। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी और एलजी ने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को किया खारिज, बोले मनोज तिवारी गुंडों के साथ आए थे आप नेता। दिल्ली और केस में आज तक पर अंजलि के दोस्त का बड़ा खुलासा, कहा अंजलि और निधि में झगड़ा हुआ था। अंजलि के दोस्त का बयान, कहा होटल में सभी पी रहे थे बियर। छठे आरोपी आशुतोष को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। एक और आरोपी अंकुश ने भी किया सरेंडर, अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार। अंजलि की दोस्त निधि से भी दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ, अंजलि की मौत के केस में निधि है चश्मदीद। अंजलि केस में एक और वीडियो आया सामने, 31 दिसंबर को पार्टी के लिए घर से निकलते वक्त पिंक जैकेट में थी अंजलि, रेड जैकेट में थी निधि। संजावला केस को सुलझाने में जुटी 18 पुलिस की टीमें, हर रोज हो रहे नए खुलासे। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर सीएम धामी की हाई लेवल बैठक, तत्काल डेंजर जोन की खाली कराने का आदेश। जोशीमठ के प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी पुनर्वास सेंटर बनाने के का भी निर्देश, आपदा कंट्रोल रूम एक्टिवेट करने का भी फैसला। जोशीमठ के करीब 600 घरों में आई दरार, कई परिवार सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट। उत्तरकाशी जिले के एक गांव में भी कई घरों में दरार से दहशत, वाडिया गांव के नीचे की धस रही है जमीन। वाडिया गांव के करीब 100 परिवारों ने डीएम से की विस्थापन की मांग, जिलाधिकारी ने भी समस्या को गंभीर माना। विमान में महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ अमेरिकी कंपनी का बड़ा एक्शन, कंपनी ने किया बर्खास्त। एफआईआर के बावजूद आरोपी शंकर मिश्रा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, पुलिस की छापेमारी जारी। आरोपी शंकर मिश्रा की सफाई में सामने आए पिता श्याम मिश्रा, कहा मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, फ्लाइट में वो सोया था। कोहरे की वजह से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट हुई लेट, असुविधा पर यात्रियों ने किया हंगामा, यात्रियों के लिए होटल और खाने पीने का नहीं किया गया था इंतजाम। जयपुर में एक और जैन मुनि समर्थ सागर ने भी त्यागे प्राण, समेत शिखर तीर्थ को बचाने के लिए अनशन पर थे समर्थ सागर। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट, नहीं है मनीष सिसोदिया का नाम। ईडी ने दाखिल की चार्जशीट में कुल 12 आरोपियों के नाम, 7 कंपनियों का जिक्र। भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने से पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, गुलाम नबी के साथ नए ज्यादातर नेताओं को 2 महीने बाद वापसी। गुलाम नबी ने भी कांग्रेस को दिया झटका, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आसिफ खांडे डीएपी में शामिल। दिल्ली में एलजी ने बनाई हज कमेटी, बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी के 2 विधायक शामिल, कांग्रेस के 1 पार्षद का भी नाम। दिल्ली की हज कमेटी को लेकर भड़के सीएम केजरीवाल, ट्वीट में लिखा एलजी ने बिना सलाह लिए किया संविधान का उल्लंघन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा की तारीख जारी, 16 से 20 जनवरी तक आयोजित होगी परीक्षा। शिवहर पहुंची सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, मुख्यमंत्री ने ट्राईसाइकिल का किया वितरण। नीतीश का बयान, राष्ट्रीय स्तर पर ही होनी चाहिए जातीय जनगणना। समस्तीपुर में राजीव प्रताप रूडी का नीतीश पर वार, कहा सीएम समाधान यात्रा नहीं व्यवधान यात्रा करके बिहार के विकास में पैदा कर रहे रोड़ा। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का आरोप, धर्मांतरण मामले में प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है बीजेपी। बाराबंकी पहुंचे यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लगाई जनता के साथ चौपाल, सुनी समस्या। अपने एक दिवसीय कार्यक्रम में मोतिहारी पहुंचे सुशील मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया कीर्तिमान, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे को रिकॉर्ड समय में चालू रखा। झारखंड ओडिशा मध्य प्रदेश आईटी का छापा, रायपुर में 20 ठिकानों पर आईटी की रेड से मचा हड़कंप। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्कूलों में एनसीसी पर प्रशिक्षण शुरू किया। नू मेवात में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किसानों का धरना, औरंगाबाद गांव में कट देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं 80 गांव के किसान। गृहमंत्री अमित शाह ने चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह मौजूद रहे। धरने पर बैठे कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी ऑफिस को घेरा, गृहमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शिवहर में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्राईसाइकिल बांटे, इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। जालंधर में आप विधायक का पीए बनकर लोगों से पैसे ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार, पहले से भी कई केस दर्ज। औरैया में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने की शुरुआत, आज से सड़क सुरक्षा को लेकर सदर विधायिका खुद लोगों को जागरूक करती हुई दिखाई दी।
प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत, 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। 15 दिन बाद खुला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में सुनवाई से पहले यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, समलैंगिक विवाह हिंदू मान्यता के विपरीत के पोस्टर के साथ प्रदर्शन। दिल्ली में धौलाकुआ में स्थित सैकड़ों झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस, दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। गाजियाबाद में बहन के घर शोक प्रकट करने पहुंचे सीएम योगी, 2 दिन पहले हुआ था बहनोई का निधन। औरैया में शीतलहर के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा, आग के सहारे बैठे लोग। भीषण ठंड की चपेट में जयपुर, अधिकांश जिलों में औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। 2 डिग्री से भी कम दिल्ली का तापमान, कड़ाके की ठंड में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर रहे हैं जवान। राजस्थान के रेगिस्तान में ठंड हुई प्रचंड, फतेहपुर शेखावटी में जम गई है बर्फ। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा नगर बना छतरपुर का नौगांव, तापमान 0.2 डिग्री तक दर्ज। पाली में कड़ाके की सर्दी होने से स्कूलों में छुट्टियां, वाहनों की सीट पर जमी बर्फ की परत। सीकर में घने कोहरे और शीतलहर से कड़ाके की ठंड का सितम बरकरार, 14 साल बाद जनवरी में लगातार 4 दिनों में जम रही है बर्फ। भीलवाड़ा में तापमान पहुंचा 1.4 डिग्री पर, खेतों के फसलों पर जमी है बर्फ। लद्दाख में बढ़ते तापमान और बर्फबारी के कारण यातायात बंद, सेना कर रही है दिक्कतों का सामना। शाहजहांपुर में ठंड से हुई पत्नी की मौत, पति ने चंदा मांगकर किया अंतिम संस्कार। सवाईमाधोपुर में पति ने पत्नी पर डाला तेजाब, घायल महिला का चिकित्सालय में चल रहा है उपचार। फरीदाबाद में शराब के नशे में धुत 6 बदमाश ने होटल में जमकर की तोड़फोड़, मैनेजर के साथ की मारपीट। यूपी के संभल में भाई ने की बहन हत्या, पिता ने दर्ज कराया मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में खाना बनाते समय फटा सिलेंडर, उड़ा 2 मंजिला मकान, 8 लोग घायल। झांसी में अवैध संबंधों के चलते पति ने की प्रेमी की हत्या, घटना को अंजाम देने वाले दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वारंगल में नाबालिग लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म, घटना के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन। दरभंगा में ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर, 2 युवक की मौके पर मौत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डंपर और स्कूटर के बीच टक्कर, करीब 500 मीटर तक स्कूटर सवार को घसीटा। अलवर में हार्डकोर हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग के बाद पुलिस अलर्ट, थाने की छत पर हथियारों के साथ लैस होकर कर रहे निगरानी। हरदोई में धुंध के कारण तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, खाई में गिरी, हादसे में चालक की मौत, 3 गंभीर। कौशाम्बी में युवती को अश्लील मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करना पड़ा भारी, पिता पुत्र दोनों गिरफ्तार। फतेहपुर में बिजली चेकिंग करने गए विद्युत कर्मियों के ऊपर युवक ने ईंट पत्थर से किया हमला, 2 कर्मचारी घायल। इंदौर में ग्रामीण पुलिस ने डीएनए के आधार पर किया हत्या का खुलासा, प्रेम प्रसंग मामले में की गई थी हत्या। अलवर में होटल में ठहरे पार्षदों पर बदमाश का हमला, कई डेलीगेट सदस्य हुए घायल। कैमूर में डीएसपी सहित कई पुलिसकर्मी पर हमले करने के आरोप में केस दर्ज, 7 आरोपियों को भेजा गया जेल। सीकर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50,000 की रिश्वत लेते पटवारी को किया गिरफ्तार। शिवपुरी में रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर फटने से पूरे घर में आग लगी, सारा सामान जलकर खाक। झारखंड के दुमका में मेडिकल कॉलेज परिसर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सहरसा में आरपीएफ ने 98 बोतल कोडीन युक्त कोरेक्स किया बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने 1 व्यक्ति को किया गिरफ्तार, पिछले 6 साल से फरार था आरोपी। कानपुर में कच्चा मकान गिरने से 1 बच्चे की मौत, पति पत्नी समेत 2 बच्चियां घायल। ललितपुर में कैदी ने जेल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतक के परिजनों ने जिला प्रशासन पर पैसे के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक एसआई ने नदी में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, पूर्व सैनिक ने बचाई जान। गुरुग्राम में युवती के साथ हैवानियत, शराब के नशे में धुत युवक ने युवती के साथ की छेड़छाड़, हेलमेट से पीटा। जोधपुर के मथानिया बाईपास पर भीषण सड़क दुर्घटना, 3 की मौत, 15 घायल। अपना सेवा स्थापना दिवस मना रहा है यूको बैंक, वृक्षारोपण और रक्तदान समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन, बैंक के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार और महाप्रबंधक अंबिकानंद झा रहे मौजूद। टिहरी गढ़वाल में तेंदुए की दहशत, गांव से पलायन को मजबूर गांव वाले। रायपुर में फिर आईडी की रेत से हड़कंप, ओडिशा की आईटी टीम कर रही है जांच। रीवा में प्रशिक्षण के समय प्लेन क्रैश, पायलट की मौत, ट्रेनी पायलट भी गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु में एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने खोया नियंत्रण, 3 घायल।
बरेली में फिर शुरू हुआ यातायात जागरूकता अभियान, बीते वर्ष हो चुके हैं 400 से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में मौत। कन्नौज में प्राइमरी स्कूल के टीचर का कक्षा 8 की छात्रा पर आया दिल, हाथ में थमाया लव लेटर। बिजनौर पुलिस ने 17 लाख का 100 मोबाइल किए बरामद, मालिकों को सौंपा गया उनका मोबाइल। सोनीपत में बंद पड़े मकानों में चोरी की वारदातों को दिया गया अंजाम, पुलिस कर रही है चोरी के आरोपियों से पूछताछ। करनाल में अब हरियाणा की पहली ड्रोन पायलट देंगी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग, किसानों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए कर रही है जागरूक। गुवाहाटी में नकली नोट छापने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली नोट भी बरामद। यूपी के बांदा में चार्ज लेने को लेकर 2 पंचायत सचिव में जमकर मारपीट, सीडीओ ने जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र के बीड में चोरों का आतंक, सोने चांदी की 4 दुकानों को तोड़कर लाखों रुपए का माल लूटा। मोतिहारी में कस्टम और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्यवाही, 16 प्रतिबंधित ड्रोन कैमरे सहित 1 तस्कर को गिरफ्तार किया। फरीदकोट में गौ तस्कर के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता, 4 आरोपी को किया गिरफ्तार।